सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के व्याकरण है जो उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो व्याकरण विधि के अंतर्गत जो पाठ हैं उनको हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते और समझते। जैसे कि बच्चों आप सब देख रहे हैं, ये है संधि। क्या है बेटा? ये संधि है। ये कौन सा अध्याय है? तृतीय अध्याय। ठीक है, ये समझना है कि दो वर्णों के आपस में मिलने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलया, क्या बन गया? विद्यालय। क्या बना ये? विद्यालय। दो वर्णों के आपस में मिलने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलया विद्यालय। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। यह वर्ण विधि है दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता, संहिता यानी समीपता में जो वर्ण विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या दिया है? विद्याधन आलया बराबर विद्यालय। यहाँ पर विद्धन आधन आधन लय में आधन आदि क्या हो गई है? अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आवर्ण रूप दीर्घ एकादेश हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये है संधि। एक बार पुनः दोहराती हूँ, दो वर्णों के आपस में मिलने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। विद्याधन आलया बराबर विद्यालय। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर संधि, जिसको हम कहते हैं अच संधि। क्या कहते हैं? अच संधि। संस्कृत में कहते हैं अच संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसको कहते हैं हल संधि। ठीक, और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, तो पहला है संधि के कितने भेद बताए मैंने? तीन। कौन कौन से? स्वर संधि यानी अच संधि, व्यंजन संधि, हल संधि, है ना, जिसको संस्कृत में हल संधि कहते हैं, और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वह है अच संधि यानी स्वर संधि। किसको पढ़ेंगे? स्वर संधि को। क्या है? दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं, जो भेद अभी हम आगे पढ़ेंगे। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को, यानी जैसा हमें प्राप्त होता है उस विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये हमने आपको पहले पढ़ाई स्वर संधि। चलिए इसके बाद अब इसमें सबसे पहले है जो भेद है वह है पहला दीर्घ संधि। अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। यदि ह्रस्व या दीर्घ यानी आ ई उ तथा रु स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ या रु स्वर आए तो दोनों मिलकर, जब ये दोनों मिलेंगे, अ आ मिलेगा, इ ई मिलेगा, उ मिलेगा, तो क्या बनेगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और रु हो जाता है। इस प्रकार से अकार सवर्णे दीर्घ, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम दीर्घ संधि। आप देखिए यहाँ पर आ ऑब्लिक आधन, तो ये क्या बना? ये बड़ा आ बना। ठीक, इसी प्रकार ई ऑब्लिक ई धन ई जब मिले इसमें तो क्या बनी? बड़ी ई बनी। इसी प्रकार उ छोटा उ बड़ा उ दोनों जब ये मिलेंगे धन होगा तो कौन सा बनेगा? बड़ा उ। इसी प्रकार रू रू तो धन जब बनेगा तो क्या बने? इसमें देखिए डबल मात्राएं, ठीक है ना, तो छोटा ऐसा रहता है एक और इसमें डबल, तो ये क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, रू बना बड़ा बनेगा। चलिए
चलिए आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर अब हम ये पढ़ेंगे उदाहरण, ठीक है। जैसे दिया पुस्तक धनालय, ये दिया है पुस्तक धनालय, क्या बना पुस्तकालय। देव धन आशीष, क्या बना देवाशीष। फिर दैत्य धन अरिह, क्या बना दैत्यारी। चा धन अपि, चापी, ठीक। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। गिरी धन इंद्र, गिरीन्द्र। कपि धन ईश, क्या बना कपीश। बड़ी की मात्रा चल रही ना। मही धन ईश, महीश। फिर नदी धन ईश, नदीश। फिर लक्ष्मी धन ईश्वर, क्या आएगा लक्ष्मीश्वर। फिर सुधन उक्ति, सूक्ति। फिर भानु धन उदय, भानु दय। फिर दिया है पितृ धन ऋणम, तो क्या आएगा पितृणम। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं, यही आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से ये शब्द जुड़ेंगे। या तो इनका आपको ये दे दिया जाएगा जोड़ने के लिए कि भाई ये शब्द क्या बना, या ये शब्द दे दिए जाएंगे आपको, तो आपको उसको क्या करना है जोड़ना, कैसे मने इसको पृथक करना है या जोड़ना है, ये परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसका है दूसरा है गुण संधि। आज गुणा, यदि आज गुणा, यदि है ना, यदि ध्यान से समझिए, आ या आ के बाद ई या ई आए, दोनों के स्थान पर ए, ए का देश हो जाता है। इसी तरह यदि अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आए, तो दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यदि आ या आ के बाद यदि रू आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा आर, आर एक आदेश हो जाता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे बॉक्स में ये बने हैं, जैसे दिया है छोटा बड़ा, धन छोटी बड़ी, तो इसके दोनों यदि आते हैं तो क्या कौन सा आदेश होगा ए, और आ और आ और उ और उ, तो इनके इसमें कौन सा होगा ओ हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये दिए है ना, फिर आ अब्लिक बड़ा रू और रू, तो क्या हो जाएगा इनके स्थान पर आर। अब इसी प्रकार आ धन आ या रू दिया है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ये हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं गुण संधि, ठीक है ना। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं गुण संधि पढ़ रहे हैं। आप उदाहरण देखिए इसके, जो देखिए दिया है ना आ धन आ और ई धन ई, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा ए। आप जैसे दिया है उपधन इंद्र, तो उपेंद्र। देव धन इंद्र, देवेंद्र। गण धन ईश, गणेश। महाधन ईश, महेश। नर धन ईश, नरेश। सुर धन ईश, सुरेश। लता धन एव, क्या हुआ लतेव। गंगा धन इति, गंगेति। आप यहाँ पर देखिए आ और उ और ऊ मिलते हैं, तो क्या बनेगा ओ बनेगा। अब इसमें कैसे आएगा भाग धन उदया, तो क्या आएगा देखिए ओ की मात्रा भाग्योदया। सूर धन उदया, सूर्योदया। फिर नर धन उत्तमः, नरोत्तमः। फिर हित धन उपदेशः, हितोदेशः। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि या तो संधि का विग्रह आएगा, तो संधि के बाद कौन सा शब्द बना ये आएगा आपको लिखना पड़ेगा, या तो ये शब्द आएंगे तो किस प्रकार से उनका संधि विग्रह होगा ये आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए उदाहरण बहुत अच्छे से आपको लिखना भी है और याद भी करना। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे दिया है महाधन उत्सव, महोत्सव, जैसा वो की मात्रा है ना। अब है गंगा धन उदकम, गंगोदकम। यथा धन उचितम, यथोचितम। फिर गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी। महाधन उरु, महोरु। नवधन उड़ा, नवोड़ा। आप यहाँ देखिए छोटा बड़ा और छोटा रु दो मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पर अर। अब यहाँ से इसके उदाहरण देखिए, देवधन ऋषि, देवर ऋषि,
ग्रीष्म धन ऋतु, इसी प्रकार यहाँ पर वर्षा धन ऋतु, तो यहाँ जाएगा वर्ष वर्ष तु, है ना। तो इस प्रकार ये शब्द आपके बनेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं वृद्धि संधि। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, वृद्धि संधि। वृद्धि रेचि, यदि अब ध्यान से समझिए, यहाँ आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो जाता है। इसी तरह यदि आ और आ के बाद ओ या औ आए, ठीक है ना, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ एकादेश हो जाता है। इसको कहते हैं वृद्धि संधि, वृद्धि होना, मात्राओं की वृद्धि होना। अब देखिए यहाँ बॉक्स में समझिए, जैसे ये छोटा है बड़ा, ठीक है, धन ए, इसके बाद यदि ए या ए आता तो भी दो होने पर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक। फिर इसी प्रकार आ आ, तो इसमें क्या होगा, ओ और औ, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, इसमें औ आएगा, ठीक है। चलिए इनके उदाहरणों को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पे दिया है आ आ, ए ए और ए, इनके उदाहरण समझिए। मम धन ए, तो क्या आएगा, ममैव, ठीक है ना। एक धन एकम, एक एकम, तद धन एक, तदेव, तवेव, तदन एव, तवेव, अद धन एव, अद्देव, लता धन एव, लतेव, ठीक है। फिर तथा धन एव, तथेव, सदा धन एव, सदेव। फिर है देव धन ऐश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम, दे वैश्वर्यम। फिर आत्मधन एक्यम, आत्मैक्यम, ठीक। आप आगे पढ़ते हैं, यहां दिया है आधन आ, ओधन औ। इस प्रकार जैसे आप देख रहे हैं आ आ धन को औ बराबर से क्या आएगा, औ ही आएगा। आप उदाहरण समझे, जल धन ओघ, तो यहाँ पे औ हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा जलोघ। मम धन औषधि, ममोषधि, है ना। नव धन औषधि, नवौषधि। विद्या धन औचित्यम, विद्योत विद्योचित्यम। आत्मधन औत्सुक्यम, तो आत्म आत्मोत्सुक्यम, आत्मौत सुख्यम, ठीक है। इस प्रकार से इसमें आएगा। चलिए आप पढ़ते हैं यण संधि। क्या पढ़ते हैं, इको यणची, ये सूत्र है, इको यणची, यण संधि एक, ठीक है ना। ई ऊ रू लू के स्थान पर यण या व र ल हो जाता है जब ई ई ऊ ऊ रू रू तथा रू के बाद कोई असमान स्वर आए। तो अब इसमें किसको क्या हो जाएगा, तो ई को या, ऊ को वा, रू को रा और रू को ला आदेश हो जाता है, ठीक है। आप देखिए बॉक्स में यहां पर जो दिया गया है इसको समझिए। जैसे ई ई धन आसमान स्वर, तो ई ई है तो उसमें क्या हो जाएगा, या, ठीक। फिर दूसरा है ऊ ऊ आसमान स्वर, तो ऊ ऊ को क्या होगा, वा। फिर रू रू आसमान स्वर, तो रू रू को क्या हो जाएगा, रा, ठीक है। फिर इसके बाद लू, तो इसमें आसमान स्वर, तो रू को ला हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर ये होगा। चलिए उदाहरण समझते हैं। आप उदाहरण देखिए, यदि धन अपि, तो क्या हो गया यहाँ पर, यद्यपि, इति धन आदि, इत्यादि, अति धन आचार, अत्याचार, इति धन अवदत, इत्यवदत, नदी धन आवेग, नद्यावेग, सखी धन ऐश्वर्यम, सख्यैश्वर्यम, सुधन आगतम, स्वागतम, अनुधन अयः, अनवयः, ठीक है, अनुधन एषणम, अनवेषणम। जैसे कि मैंने बार बार कहा
आप लोगों को ये जो, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसी प्रकार दिया है, मधुधन अरि मध्यवरी, बधुधन आगमनम, बद्धवा गमनम, ठीक है। फिर है पितृधन आदेश, पित्रा देश, पितृधन उपदेश, तो पितृयुपदेश, मातृधनाज्ञा मात्राज्ञा, फिर लोधन आकृति लाकृति। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर संधि और उनके भेदों को पढ़ाया समझाया। आप अपने रजिस्टर या कॉपी में बेटा इसको बहुत अच्छे से व्याकरण कॉपी में लिख लेंगे, और इनको आपको लिखना भी है, याद करना। जैसे मैंने आपको समझाया कि जो भी संधि मैंने पढ़ाई है, या तो उसके विसर्ग, जो भी मैंने आपको जो संधियों के जो भेद बताए हैं, तो आपको या तो संधि के जो उदाहरण हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हुए और उनको बहुत अच्छे से याद करना है। धन्यवाद बच्चों।